नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीट मिल टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गोल्डी ग्रोवर। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 2 के अंदर, जहां नेहा जी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी क्या क्या रणनीतियां हैं, वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं। नेहा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। नेहा जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो 2 नंबर वार्ड के अंदर खड़े हैं, तो मतलब किन मुद्दों को लेकर आपकी लड़ाई जारी है? मुद्दों को लेकर के, पानी के निकासी के मुद्दों को लेकर के लड़ाई जारी है, नशा मुक्ति को लेकर लड़ाई जारी है, राशन कार्ड, पीला कार्ड, इन सभी समस्याओं को, छोटी छोटी सभी समस्याओं को लेकर के ये लड़ाई शुरुआत करी है। सभी वार्डवासियों ने कहा आपका समर्थन है, हम आपके साथ हैं, हमारा साथ देने के लिए आप इस लड़ाई में आगे खड़े हो, इसलिए। तो किसी तरह का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है आपका, या यहाँ ससुराल में आकर ये मौका मिला आपको? नहीं जी, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ससुराल में आके ही शुरुआत की। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो आपके पति देव है ना, पंकज जी, वो कॉलेज टाइम से काफ़ी सक्रिय रहे हैं राजनीति के अंदर। अच्छा, तो मतलब उनकी फैन फॉलोइंग अगर हम कहें तो उस समय से भी है। हाँ जी, तो मुझे लगा शायद आप भी इसी चीज़ से। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो ये पंकज जी के दम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है या अपनी उस पर? फैमिली, समाज, पूरे वार्ड के दम पर लड़ा जा रहा है जी। आप अभी भी मानते हैं कि जो पहले पार्षद रहे थे उनमें कुछ ऐसी कमी थी या कुछ ऐसा नहीं कर पाए थे जिसे मतलब आज प्रमुखता पर आप लेंगी? देखिए, कमी रह पाई थी तभी आगे वार्डवासियों ने हमें प्रेरित किया कि हम इस वार्ड के लिए खड़े हुए और जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए जी। पानी की निकासी की समस्या नहीं खत्म हुई है, लोगों के घरों में उसी तरह पानी आ रहा है, बारिश के दौरान दिक्कत हो रही है, और पानी की समस्या, पानी के आने का समय की समस्या, पूर्ण रूप से पानी सुबह शाम आने की समस्या, जो भी समस्याएं हो गई हैं, रोड लाइट्स को लेकर के, बुज़ुर्गों के राशन कार्ड को लेकर के, निम्न घर में जिनको पीले कार्ड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उनके कार्ड्स को लेकर के, कुछ बुज़ुर्ग औरत तो रोने लग जाती हैं कि हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है राशन की और हमें वो समस्या दूर नहीं की गई है, उनको लेकर के हमें प्रेरित किया गया कि भाई आप खड़े होइए, आप करिए, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान किया जा सके। पिछले 2 सालों में जैसे कोरोना काल रहा, तो पंकज जी ने भी काफ़ी वार्ड में जा कर के काफ़ी मेहनत की और काफ़ी सहायता भी प्रदान करी, आपको लग रहा है उसका कोई बेनिफिट मिलेगा आपको? बिल्कुल जी, देखो वो तो एक सहायता प्रदान करना वो अलग बात होती है, एक व्यवहार बनाना अलग बात हो जाती है। हम सहायता के बलबूते पे नहीं कह सकते कि हमारा साथ दो, हम इसलिए साथ मांग रहे हैं आके कि हम अपने वार्ड को आगे बढ़ा सकें, अच्छा कर सकें, एक स्वच्छ और सुरक्षित वार्ड बना सकें, 2 नंबर वार्ड सबसे सुरक्षित और स्वच्छ वार्ड हो, इसलिए हम आइए आगे खड़े होने के लिए हमने शुरुआत करी। जैसा कि हम देखते हैं ना, यहाँ बॉयज़ स्कूल भी है, गर्ल्स स्कूल भी है, इतना कुछ होने के बावजूद व्यापारी वर्ग भी यहाँ पर बैठा है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये इलाका जो है वो पिछड़े इलाकों में काउंट होता है, तो कहीं ना कहीं आपको दुख होता होगा इस बात का? बिल्कुल, बहुत दुख होता है। ये आगे हमारी एक ना ग्रो नहीं कर रहा है, ये इलाका एक जगह आके रुक गया है, तो उसको ग्रो करने के लिए ही अब नई पीढ़ी आगे जाएगी, नई नई चीज़ें सुझाव आएंगी, नई नई नीतियाँ बनाई जाएंगी, जिससे हमारा ये वार्ड अभी आगे सभी वार्डों की तरह पहचाना जाए, हाँ भाई ये वार्ड नंबर 2 है और यहाँ पर अच्छी अच्छी सभी लोग रह रहे हैं, इनमें सब चीज़ की सुविधाएं हैं, सुरक्षित जगह है, जो यहाँ पर रात को आने में कई जगह आगे जाने में लोग डरते हैं भाई ये एरिया अच्छा नहीं है, यहाँ मत जाओ, तो आगे जा करके उन सभी समस्याओं को दूर किया जाए, भाई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कहीं भी कभी भी आप कभी आ जा सकते हो। सेल्फ डिपेंडेंट है या हाउस वाइफ अभी तक? नहीं, हाउस वाइफ भी है, सेल्फ डिपेंडेंट भी है, सब कुछ हो जाता है। लग रहा है आप एक सशक्त और पढ़ी लिखी एक महिला हैं, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं जो आप बात कर रही हैं उन बातों में उतना ही दमखम रहे आगे भी, अगर आप पार्षद पद के लिए चुनी जाती है तो। बिल्कुल जी, बिल्कुल, सभी बातों में दमखम सब कुछ रहेगा, बस आप सभी वार्डवासियों से ये निवेदन है कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दे करके चुनें और इस अपने वार्ड का पार्षद बनाएं, ताकि मैं इस वार्ड का पूर्ण रूप से विकास कर सकूं। दोस्तों, प्रत्याशी के जो पति हैं मिस्टर पंकज पकीजा, वो भी राजनीति में बहुत बड़ा अपना एक नाम रखते हैं, अपना एक ओहदा रखते हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम उनसे भी एक दो बात जरूर कर लें। पंकज जी, भाजपा से आप रहे हो, भाजपा से एक कैंडिडेट और भी है, आपको लगता है इस चीज़ का कोई नुकसान पहुँच सकता है? भाजपा से और कैंडिडेट इस एरिए में तो नहीं है, भाजपा का पूर्ण समर्थन हमारे साथ ही है, जो भी बड़े बड़े हमारे प्रधान जी हैं या शमी दिंगड़ा जी हैं या बड़े जो भी ऊपर से हाईकमान के आदेश आते हैं, उन सब का पूर्ण सहयोग है और साथ है, पीछे टीम है, साथ से पूर्ण रूप से मेरे को सहयोग मिल रहा है, और मैं भी यही चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे और इसी तरह मैं आगे बढ़ता रहूँ।
जैसे कि प्रमोद डबली जी हैं वो भाजपा में कहीं ना कहीं चाहे प्रभावित थे या कैसे भी थे, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपको लग रहा है? नहीं देखो, ऐसा होता है जब भाजपा कभी भी किसी को समर्थन मतलब ऐसे साथ होती है, लेकिन अगर वो कोई कैंडिडेट बैठ जाता है या ऐसा कुछ होता है तो उसका कभी भी भाजपा नहीं बैठती। मतलब भाजपा किसी के हित में मतलब किसी के फेवर में नहीं बैठती, वो खुद अपने आप में एक सशक्त संगठन है, उसको किसी के हित में बैठने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में इतनी पूर्णता मजबूत है, हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, जितने भी हमारे बड़े बड़े हाईकमान लीडर हैं, उनको किसी के फेवर में बैठने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में एक ऐसा एक पिलर कह सकते हो, पिलर इतना मजबूत है कि इसको भाजपा अपने आप में इतनी सशक्त है कि वो किसी के फेवर में नहीं बैठती, तो इसीलिए ही उनका पूर्ण सहयोग मेरे साथ है। और आपको पता भी होगा कि डबली ने अपना समर्थन कर भी दिया। चलो मैं किसी के फेवर में क्या बात बोलूँ या किसी के लिए क्या बोलूँ, उनके अपने कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे होंगे कि उनको समर्थन देना पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ तो नेहा एक सशक्त पढ़ी लिखी और अच्छी लेडी महिला है, जो इस वार्ड के अंदर जितने भी एक बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद मिल रहा है और मिलता भी रहेगा। हमें बड़े बुजुर्गों ने आके ही बोला है कि बेटा इस बार आप खड़े हो, हम आपके साथ हैं। तो मैं यही वार्डवासियों से यही अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें अपना आशीर्वाद दें और नेहा को साइकिल पे निशान लगा के विजय बनाएं। नेहा जी, अगर ये साइकिल पहुंच जाती है, हाउस तक पहुंच जाती है, तो उसमें पंकज की कितनी इन्वॉल्वमेंट रहेगी? पंकज की इन्वॉल्वमेंट भैया कुछ नहीं, पंकज का साथ है। एक पति पत्नी का जो साथ होता है वही होता है। सबसे पहले क्या होता है कि आप भी जानते हैं कि कमेटी के अंदर जब बैठा जाता है तो कमेटी में पार्षद प्रतिनिधि को आना अलाउड नहीं होता, सिर्फ पार्षद को जाना अलाउड होता है। तो क्या वो पार्षद इतना सशक्त या इतना मजबूत है कि जो बड़े बड़े, आपको पता है कि कमेटियों में काम ऐसे नहीं करवाए जाते, उनके साथ लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। तो ये इस वार्ड की बहू है, बेटी है, आपके साथ रहेगी, हमेशा रहेगी। अलग से ऑफिस बना हुआ, किसी को घर आने ऐसे नहीं होता। कईयों में देखा गया अंदर नहीं आना, पोछा लग रहा है, अंदर नहीं आना, अभी बाहर रहो, नीचे से टोकरी भेजी जाती है, और कई करते हैं। लेकिन यहाँ अलग से एक ऑफिस बना हुआ है, बना रहेगा, आप जब मर्जी 24/7 आ सकते हैं अपनी समस्या को लेके, और उनका समाधान भी किया जाएगा। घर में अगर लड़ाई होती है मम्मी बीवी में तो कौन जीतता है? भाई वो ये जग जाहिर है कि कौन जीतता है। आप भी मेरे ख्याल से मैरिड है तो आपको भी पता है कि ठीक है जो चलता है। नेहा जी, ये जो घर की जीत है वो हाउस में भी जारी रहेगी? बिल्कुल जी, जारी रहेगी। साइकिल के निशान को घर घर पहुंचाएंगे और साइकिल को ही जिताएंगे। तो दोस्तों, ये थे वार्ड नंबर 2 से नेहा पकीजा, जिन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जो कहेंगे वही करेंगे। इसी तरह की रोचक खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।